मैं रिएक्शन लूंगी अखिलेश जी से। जहां पर जेडीएस जेडीएस सबसे अच्छा, मनीष आपको जेडीएस सबसे अच्छा जहां प्रदर्शन कर रही है अवधेश जी, शीतल, वो उसकी वजह है वहां पे वोकलिगा कम्युनिटी, वोकलिगा समुदाय जो है, जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है, समुदाय जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक देवी गौड़ा है, यही वजह है जो उनका अपना एन ब्लॉक वोट बैंक है वही उनके लिए सबसे कारगर साबित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, लेकिन अभी जो आपने खबर दी कि जी परमेश्वरा जो कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष है सुबह से ही ट्रेल कर रहे हैं और अभी भी पीछे चल रहे हैं, इस पर मैं अखिलेश जी से रिएक्शन लूंगी। अखिलेश जी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष जो है कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी के काफी पसंदीदा है और जो खुद को बता रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं, वो ट्रेल कर रहे हैं सुबह से और अभी भी पीछे ही चल रहे हैं। शीतल जी, कभी कभी विधानसभा के चुनाव में ऐसा होता है, हम भी चुनाव लड़ते हैं, कि जो स्थानीय कोई ऐसा फैक्टर या स्थानीय कोई ऐसा लीडर चुनाव में बहुत ज्यादा वोट काटने की क्षमता रख लेता है कभी, और वो अब हमें नहीं पता वहां पे गुजरात में भी यही हुआ था, कितना कितना और वोट पाया है जी, गुजरात में भी आप क्या गुजरात में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब मनीष जी वैसा ही नहीं, राजस्थान में भी सीपी जोशी हार गए थे, राहुल गांधी के पसंदीदा थे। बहुत बार होता है कि किसी बड़े नेता जो पूरे प्रदेश में ध्यान दिया है अपने क्षेत्र में नहीं दे पाता है और वहां पे कोई ऐसा लोकल लीडर उभर जाता है जो उसके वोट बैंक को बहुत जबरदस्त डैमेज कर देता है। अब वहां कौन सेकंड पे, कौन थर्ड पे, कौन इंडिपेंडेंट कितना वोट पा रहा है, पूरा ब्रेकअप मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास हो तो आपको समझने में। लेकिन ये बड़ी बात है कि आपकी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपके जो युवराज हैं उनकी पसंदीदा कैंडिडेट हैं, जो खुद को अभी से समझ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं, वो सुबह से पीछे और अभी भी ट्रेल कर रहे हैं। मनीष, बात हमने की जी परमेश्वरा की, जी परमेश्वरा के अलावा आज सुबह मैं उनको सुन रही थी और वो ये कह रहे थे कि मुझे लगता है कि मैं ही मजबूत दावेदार हूं मुख्यमंत्री पद का, खुद उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही, हालांकि अभी वो ट्रेल कर रहे हैं। तो जहां तक ये सीएम के कैंडिडेट की बात है, सवाल है, जिसमें कई सारे उम्मीदवार हैं, सिद्धारमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिवकुमार और खुद जी परमेश्वरा राहुल गांधी को के भी पसंद है, तो क्या लग रहा है कि कौन सबसे ज्यादा लाइकली इसमें उभरता हुआ दिखाई दे रहा है इस पद के लिए, किस तरह का बज वहां पर है, किस तरह की सुगबुगाहट वहां पर है? देखिए शीतल, कांग्रेस वाकई खुश मिजाज हो गई होगी ये खबर सुनने के बाद, उनकी बाँछें खिल गई हैं कि भाई पार्टी वापस एक बार कर्नाटक में 8 साल बाद सत्ता में लौटी है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सूबे का मुखिया कौन बनेगा, इसको लेकर कांग्रेस के भीतर भी भयंकर खींचतान होगी। जहां तक हम बात करें जी परमेश्वरा की, जो हमसे सवेरे बात करते हुए कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार मैं ही हो सकता हूं, तो स्वाभाविक भी ये माना जाता कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते, जिनके नेतृत्व में राज्य में चुनाव लड़ा गया, तो पहला चॉइस उन्हें दिया जाता। लेकिन जैसा कि राजनीति में होता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू, कोई भी नेता ये नहीं कहता कि मैं नहीं होना चाहता, लेकिन कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सिद्धारामैया अपने आप में एक काफी मजबूत और प्रबल दावेदार माने जाते हैं, जो कि दलित समुदाय से आते हैं। इसके बाद अगर बात करें डी शिवकुमार, इसके बात करें वो खेमे हैं कांग्रेस के, वीरप्पा मोइली, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हमसे बात करते हुए कहा था कि 40 दशक की मेरी सेवाएं हैं जो राज्य को मैंने दी हैं, तो ये इंडिकेशन था, इशारों इशारों में उन्होंने बताने की कोशिश की कि आला कमान को सोचना होगा, अगर कर्नाटक के सूबे की कमान किसी के हाथ में देनी है तो मैं सबसे प्रबल और मजबूत दावेदार हूं। और उन्होंने ये भी कहा, वो तब के नेता हैं जिसमें एसएम कृष्णा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिसमें वीरप्पा मोइली मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो मैं अकेला कैसे छूट सकता हूं, ये एक दर्द हो सकता है। यकीनन एक बड़ा सवाल होगा पार्टी आलाकमान के, हाईकमान के सामने कि आखिर इनमें से किसको वो चुनती है मुख्यमंत्री के पद के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी जुड़ गए हैं। नकवी जी, ये बयान प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले दिया कि इस जीत का श्रेय, कर्नाटक में जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को जाता है। यह हमारा विषय नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, और अगर जो है वो राहुल गांधी जी को श्रेय देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक हार का श्रेय खुद लेना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन उनका पार्टी का इस कर्नाटक पार्टी का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा पार्टी का ये भी कहना है कि ये राहुल आपके लिए इसलिए मतलब है इसका, क्योंकि उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को श्रेय दे रहे हैं और पूरी की पूरी पार्टी ये कह रही है कि ये नरेंद्र मोदी का फेलियर है, ये तो आपके लिए बात अहम हो जाती है ना।